20 मॉडल से टॉप मॉडल, मतलब बेस टू टॉप वाला काम करवाया आपने कम्प्लीटली। अब किया वाले क्या सिंगल होम देने लगे हैं, इतनी गर्मी के ऊपर भी भाई ये पिघलने वाली ने बिल्कुल माइल्ड नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर डैम्पिंग इंस्टॉल कर दिया। ये बेस मॉडल वाली हो गई, ये आफ्टर मार्केट हो गई। रिस्पांस में तो काफी ज्यादा फर्क है, जो बात है। कितना एक्सपेंस रहता है फिर? रोज भैया आपका 3,000-4,500 रुपए की स्टीयरिंग, 3,000 रुपए स्टीयरिंग 3,000 की और 4,500 रुपए की। डायमंड 2K वाली जो स्क्रीन चल रही है आजकल मार्केट में, जो बहुत ट्रेंडी है, वो चीज इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। ये कितने की आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन डायमंड 2K 10,500 से 15,500 रुपए तक की। डायमंड 2K खोलोगे तो भाई पीछे के डोर के ऊपर आप सबसे पहले जो वायर देख रहे हो ब्लू से कलर की, भाई ये इसके अंदर ना तो इसमें पीछे की तरफ पावर विंडो आती है, ना इस गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग आती है, नहीं देते, पर इधर ही फैब्रिक रहता है। बट इसकी जो सीट कवर है वो आपको कुछ ऐसी बना के देंगे प्रॉपर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रीथ कार्स। आज मेरे सामने खड़ी हुई है किया सोनेट बेस वेरिएंट ब्लैक कलर HTEO, मतलब HTE ऑप्शनल। ये देखो सनरूफ है इसके अंदर, तो बेस वेरिएंट है कि आज यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी बढ़िया सी मॉडिफिकेशन होने वाली है, एकदम टॉप नॉच आपकी पसंदीदार बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। लाइट वाइट्स हैं, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम बना है, तगड़ा एकदम मस्त सुनाने लायक। उसी से रिलेटेड ये देखो कॉपर वाली वायर भी पड़ी हुई है, और प्लस उसके अलावा इसके अंदर एम्प वगैरह भी लगा है, बेस ट्यूब भी लगी है। चलो एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इधर की तरफ ही इसके अंदर एम्प लग रहा है नीचे की साइड में, और उसी के साथ साथ अगर पीछे की तरफ से मैं इसको ओपन करूँगा तो भाई ये देखो इसके अंदर ये JBL की बेस ट्यूब वगैरह लगेगी, चारों तरफ इसके अंदर डैम्पिंग शैम्पिंग हो रखी है। चलो फिर चलते हैं फटाफट से, शुरुआत करते हैं फ्रंट से, फ्रंट के अंदर क्या क्या लगा है। सबसे पहले देखो ये आप ये जो हॉर्न देख रहे हो ना, अब किया वाले एक या सिंगल हॉर्न देने लगे हैं। ये Hyundai किया लिया लिखा हुआ देख रहे हो, बस ये सिंगल हॉर्न आता है तो इसको निकाल फेंका है। इसके अंदर डुअल हॉर्न सेटअप इंस्टॉल करा है, तो वो मैं आपको सुनवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले ये देखो इसके अंदर क्रेटा टाइप या फिर सेल्टोस जैसा या फिर जो इसके अपर स्पेक्स में आता है वैसा वाला इसके अंदर डुअल हॉर्न सेटअप इंस्टॉल कर दिया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। इधर की साइड अंदर यहाँ पे डुअल हॉर्न लग जाता है, मस्त आवाज निकाल के देता है। और बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट के अंदर सबसे बड़ी जो मोटी समस्या रहती है लाइट्स वाइट्स की रहती है, तो LED वगैरह इंस्टॉल हो गए 260 वाट की, बढ़िया आपको गारंटी वारंटी मिल जाती है। बताने में मजा नहीं है, मजा है दिखाने में। तो अभी आपको थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपको अभी आगे इसकी जो लाइट्स वाइट्स है सारी ऑन करके दिखाऊंगा, लो बीम हाई बीम। उससे पहले एक बार आप लोगों को थोड़ा सा सीट कवर्स में डिफरेंस दिखा देता हूँ। स्टॉक सीट जो आती है किया सोनेट की देखो ऐसी देखने के लिए मिलती है कुछ इस टाइप की, ये ऐसी कुछ स्टॉक सीट रहती है। पर अभी ना इसके ऊपर जो आप देख रहे हो नॉर्मल फैब्रिक सा रहता है, इधर की तरफ फिर भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी देता है, पर इधर ही फैब्रिक रहता है। बट इसकी जो सीट कवर है वो आपको कुछ ऐसी बना के देंगे प्रॉपर, रिंकल फ्री एकदम बढ़िया, देख रहे हो कुछ नहीं एकदम मस्त बढ़िया। एयर सर्कुलेशन भी रहेगी इसके अंदर, छोटे छोटे होल भी है परफोरेटेड वाली। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, बट अभी आजकल हम सभी सोनेट के अंदर ये वाले लगा रहे हैं, काफी सारे कस्टमर्स को पसंद भी आ रही है। फिटिंग भी आप लोगों के सामने चेकआउट करो, एक नंबर के, कोई रिंकल सिंकल नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अब एक बार आप लोगों को ड्राइवर साइड सीट दिखाते हैं, देखो इस पर कुछ ऐसी फिटिंग आएगी, कहीं से कहीं तक कोई रिंकल वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ पे देख रहे हो ट्विटर टंगा हुआ है, हर्ट्ज के इसके अंदर ट्विटर लगे हैं। आपको म्यूजिक सिस्टम दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम बनाया है। सो सबसे पहले इसके अंदर आप लोग चेकआउट करो, इसके अंदर यूनो मिंडा की डुअल साइड डैम्पिंग करी हुई है, जो कि मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है 45 डिग्री 50 डिग्री, इतनी गर्मी के ऊपर भी भाई ये पिघलने वाली ने बिल्कुल माइल्ड नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर डैम्पिंग इंस्टॉल कर दिया, और इसकी जगह चिपकाने का उतारो ना तो उतरती भी नहीं आसानी से। सबसे बड़ा USP रहता है कि गेट के अंदर अच्छा वेट आ जाता है और अननेसेसरी बाहर की साउंड्स नहीं आती हैं आपको जब गाड़ी चला रहे होते हो। इधर चेक करोगे आपको एक पेयर कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाएगा हर्ट्ज कंपनी का, ये रहा आपका कंपोनेंट, ट्विटर मैंने आपको दिखा दिया हर्ट्ज का ही, और क्रॉसओवर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया होगा। ये पन्नी उतार दूँ, लगी रहने दूँ? उतार दें। चलो भाई आपको ये पन्नी उतार के इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। इसमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो ये ब्लू वाला है, बहुत सारे लोग ब्लू लगवाना पसंद करते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके अंदर व्हाइट का ऑप्शन भी आ जाता है। एंड उसी के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील भी चेक करोगे तो सेम कलर के साथ आप लोगों को रैप ओवर देखने के लिए मिल जाएगा डुअल टोन में। वाले वेरिएंट के अंदर HTE ऑप्शनल जो आता है ना, ये भाई ने सनग्लासेस होल्डर निकाल रखे हैं, इसके जो बल्ब हैं वो व्हाइट करे हैं भाई ने। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आप लोगों को सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाती है। पहले इसकी जो लाइट है ना, अब आप ये देख रहे हो व्हाइट कलर की जल रही है, पहले इस कलर की जलती थी, तो इसको निकाल के भाई ये सब चीज़ें तो कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, इनके लिए कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। अगर आप अपनी गाड़ी में काम कराने आते हो तो ये सब छोटा मोटी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। दूसरा इसके अंदर आप लोग एक बार ये देख लो भाई, ब्लैंक स्टीयरिंग व्हील कितना ही बुरा लगता है देखने में। यहाँ पे आप लोगों को ना तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, ना ही इसके अंदर यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो अभी इसके अंदर क्रूज भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा जहाँ तक मेरे पास खबर है, बाकी जैसा भी होगा आपको आगे दिखा दूंगा। और दूसरी चीज़ भाई इसके अंदर आप लोगों को डायमंड 2K वाली जो स्क्रीन चल रही है आजकल मार्केट में, जो बहुत ट्रेंडी है, वो चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। अभी मैं भाई को काम करने देता हूँ, उसके बाद आपको एंड में प्रॉपर अच्छे से चला के दिखाऊंगा। ऊपर की साइड इसके अंदर गैलियो की रूफ रेल इंस्टॉल कर दिया है, ये नीचे की बैठने वाली सीट हो गई, ये चेक करो, इसके ऊपर भी बढ़िया फिटिंग हो रखी है। और एक बार थोड़ा सा गेट बंद करूँगा भाई, पैर बचाना,
गेट बंद करने के बाद अगर आप लोग साइड प्रोफाइल चेकआउट करोगे तो साइड प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे साइड में सोनेट की साइड बिटिंग देखने के लिए मिलेगी। सोनेट की ब्रांडिंग के साथ में प्रॉपर क्रोम के अंदर रहने वाली है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, ब्लैक कलर के ऊपर क्रोम बढ़िया नजर आता है। लोअर विंडो गार्निश देखने के लिए मिल जाएगी, रेन वाइजर्स मिलने वाले हैं, प्रॉपर यहाँ पे हनीकॉम जैसा छोटा छोटा सा डिजाइन भी है, सिंगल पतली सी इसके ऊपर स्ट्रिप भी देखने के लिए मिलेगी, सोनेट की ब्रांडिंग रहने वाली है। और ओवरवीएम जो है वो आप लोगों को भाई हाफ ही फोल्ड अनफोल्ड वाले मिलेंगे इसके अंदर ये, तो अगर आप इसको चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल करवा सकते हैं, 12,500 रुपीज़ में काम हो जाएगा। और उसी के साथ आपका जो ये फेंडर पे इंडिकेटर है ये भी बंद हो जाएगा। एंड इस गाड़ी के अंदर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, इसके अंदर अलॉय व्हील इंस्टॉल हो रहा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा एक दूसरी वीडियो में, बट इसके अंदर अलॉय व्हील नहीं लगे तो वो एक चीज़ और लग जाए तो भाई गाड़ी कंप्लीट सी नजर आने लगेगी। पीछे का डोर अगर खोलोगे तो भाई पीछे के डोर के ऊपर आप सबसे पहले जो है वायर देख रहे हो ब्लू से कलर की, भाई ये इसके अंदर ना तो इसमें पीछे की तरफ पावर विंडो आती है ना इस गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग आती है, तो इसके अंदर ये पावर विंडोज की वायर है, इसके अंदर पावर विंडो इंस्टॉल करी है। हर्ट्ज का एक पेयर आपको पीछे क्वेक्सल देखने के लिए मिलने वाला है, सोनेट की स्कफ प्लेट्स देखने के लिए मिल जाएंगी, और ये भाई लार्ज नोव लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये तो बॉक्स हो गया अपने प्रॉपर, ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हो भाई ने कनेक्शन कर दिया है। अभी बस बेस ट्यूब चलने वाली है, आपको गाना वाना सुनाएंगे। पीछे की तरफ पार्ट फिल्टर लग जाती है, पार्ट फिल्टर भी सस्ती आती है, लगभग 2,000 रुपये के आसपास में पार्ट फिल्टर मिल जाती है। बाकी उस चीज़ के लिए कॉल करके कॉन्टैक्ट करके आप एकदम एक्यूरेट प्राइस कन्फर्म कर सकते हैं। एंड अपने पास इसकी पीछे की कनेक्टेड टेल लैम्प अवेलेबल है, आपको अगर ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, और ये लगभग 9,500 रुपये कॉस्ट करती है, तो वो चीज़ कॉल करके कंफर्म कर लेना। काम कराने कहाँ पे आना है आप लोगों को, देखो सुभाष कार स्टूडियो विजिट करना है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, आपको सारा ओरिजिनल सामान मिल जाएगा बढ़िया किया का, और प्राइस भी अच्छे मिल जाएंगे। बाकी इस गाड़ी को एक बार मैं और पूरी कंप्लीट होने देता हूँ, देन मैं आप लोगों को चेकआउट करवाता हूँ। अभी भाई गाना वाना चलाएंगे तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जो मैं आप लोगों को किया सोनेट दिखाते हैं बेस वेरिएंट ब्लैक कलर वाली, इसके अंदर बहुत सारा बढ़िया बढ़िया काम हुआ है, तो आपको सारा काम प्राइस वगैरह बताएंगे सुभाष भाई। क्या हाल चाल है सुभाष भाई? बढ़िया एकदम। तो आज फिर क्या बना दिया सोनेट के अंदर? पूरा काम रखा है। तो फिर दिखा दो, फिर फ्रंट से शुरुआत करते हैं। 200 LED लगाई है, 250 वाट की, दोनों 250 वाट की है। दिन निकाल देगी? निकाल दे, इसका अंदर बल्ब चेंज कर दिए है। ठीक है ठीक है भैया, साइड प्रोफाइल को हमने आपका देखो ऑन करके दिखाओ है ना ये भाई, आपको DRL लाइट ऑन करके दिखाते हैं। DRL में तो इसमें यही बल्ब आता है। ओ भाई लो भाई, रिस्पॉन्स चेकआउट करो एक बार आप लोग, लाइट में तो बहुत फर्क है सुभाष भाई। एक बार बेस मॉडल वाली भी चला के दिखा दो, जो पीली वाली आती है, आपको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ है ना। ये आफ्टर मार्केट LED इंस्टॉल हो गए 250 वॉट की, उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है, सिर्फ लो बीम जल रही है, हाई बीम अभी जलाएंगे। और इधर की तरफ भाई ये बेस मॉडल की लाइट देख लो, ये कुछ ऐसी है, काफ़ी फर्क है सुभाष भाई इनके अंदर तो है ना। और बाकी अगर आप लोग इधर से देखोगे तो ये देखो भाई, ये आफ्टर मार्केट वाली, ये बेस मॉडल वाली, जलाना जलाना भाई, ये बेस मॉडल वाली हो गई, ये आफ्टर मार्केट हो गई, रिस्पॉन्स में तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है जो बात है। कितना एक्सपेंस रहता है फिर ये? इसमें आपका 3500 से लेके आपका 5500 तक। एक बढ़िया प्राइस वाली कौन सी रहेगी सुभाष भाई? 4500 में 250 वोट आ जाएगी। गारंटी कितनी है अपनी? 2 साल की, दोनों की 2-2 साल की है। ठीक है, तो लाइट के अंदर सबसे पहले फ्रंट काम यही हुआ इसमें बेस मॉडल में, साइड फिटिंग चेक करो, ओके, डोर गार्निश, रेन वाइजर, बरसाती, रूफ रेल्स, ठीक है भैया, ये सारी चीजें साइड मॉडल साइड में हो गई। इसके बाद हमने इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर में मजा आएगा, थोड़ा आंधी सी आ रही है, करूँ बंद करूँ? इंटीरियर में डंपिंग हुई भैया बोले आपका, उसके बाद सॉफ्ट टच हुए पूरे, लाइट्स है, वेलकम लाइट्स है, उसके बाद 70 मैट्स है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, कुछ भी इसमें इंस्टॉल नहीं किया, कुछ भी अपने अवेलेबल होता है। मेन बात है इसकी कस्टमाइज सीट कवर है भैया, इसमें अपने पास सारे कलर अवेलेबल है। किसमें सीट कवर में? जो सी कलर होगा सारे कलर में, टॉप मॉडल वाली बना देंगे टॉप मॉडल, लेकिन सबसे बढ़िया लुक इसी की आती है इस गाड़ी में। हाँ, इसलिए हमने पूरा आपका कहीं से भी बट नहीं आएगा, प्रॉपर इक्वल फुल बकट में होती है भैया। मैंने भाई आप लोगों को जिसमें लगी हुई थी वो और जिसमें नहीं लगी हुई थी वो भी दिखाया है। एयरबैग वाले रहेंगे ना? एयरबैग वाले होंगे भैया, प्रॉपर एयरबैग वाले होंगे, दोनों होंगे, दोनों प्रॉपर एयरबैग वाले रहेंगे। हमने डायमंड 2 का स्टीरियो लगाया है, हर्ट से कंपोनेंट। स्टीरियो का भी अंदर बताना पहले एक बार थोड़ा, इसका बताओ एम्बिएंट लाइट कौन सी है? K3 के फोर K3 है। क्या खर्चा पानी रहेगा? 4500 वारंटी कुछ? एक साल वारंटी, अगर कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो। और क्रूज और स्टीयरिंग का ही बता दो थोड़ा सा। क्रूज भी आपका 3,000-4,500 रुपए की, स्टीयरिंग 3,000, स्टीयरिंग 3,000 की, 4,500 रुपए की। ठीक है, अब एक बार अंदर आ जाओ, आप अंदर से दिखाते हैं ना। तो भाई ये मैट फ्लैट तो मैंने आप लोगों को सारी चीज दिखाई रखी है, स्टीयरिंग व्हील भी प्रॉपर अच्छे से रैप हो गया, ये भी शायद 1,000-1,500 रुपए का हो जाता है स्टीयरिंग व्हील रैप। बट मेन जो हाईलाइटेड चीज है वो भाई है इस गाड़ी के अंदर, ये डायमंड 2K। इस गाड़ी के अंदर डैम्पिंग भी हुई है, यूनो मिंडा की एंबियंस लाइट है, हर्ट्ज़ के कंपोनेंट है, हर्ट्ज़ के कोएक्सल है, एक एम्पलीफायर है, JBL के बेस ट्यूब है। ओहो, बहुत सारी चीजें लगी है इसके अंदर। हाँ जी भैया, एक एक करके बताओ ना थोड़ा।
डैम्पिंग्स दिखा, डैम्पिंग भाई वीडियो मैं वीडियो लगा दूंगा भाई, आप लोग देख लेना। हो गया आपके K3, ठीक है भैया। उसमें हमने दरवाजे भी सॉफ्ट टच करे हैं, सॉफ्ट टच दरवाजे, लॉक है, पावर विंडो है, OEM फिटिंग है भैया, प्रॉपर आपका जेन्युइन भैया। सीट कवर्स है, पीछे पार्सल ट्रे भी इंस्टॉल करी है, ठीक है जेन्युइन। उसके बाद आपका हर्ट्स का कंपोनेंट है, हर्ट्स का कोएक्सल है, वो सारी चीजें मैंने आप पहले दिखा दी है। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, बल्ब तो हम कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, ये तो अब लग के ही आ रही है, बल्ब भी कॉम्प्लीमेंट्री और ये वाला भी कॉम्प्लीमेंट्री है। इस वाले में लग के आ रही है सिर्फ STO में। और ये कितने की आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन डायमंड 2 के 10.5 से लेके 15,500 रुपए तक की है, डायमंड 2 के। और इसमें भाई अपना कार प्ले वार प्ले आपका सब चल जाएगा। एक बार मैं इसको यहाँ से आप अगर खोलोगे ना तो इसके अंदर कार प्ले वगैरह जो भी आपको चलाना है, रेडलिंग वगैरह सब कुछ मिलता है। एक बार रिवर्स गियर लगा के मैं आप लोगों को पीछे की क्वालिटी दिखा देता हूँ। कैमरा कौन सा डाला है सुभाष भाई इसके अंदर? मूविंग गाइडलाइन वाला है भैया, ये चेक करो भाई, मूविंग गाइडलाइन वाला है इसके अंदर, कैमरा इंस्टॉल हुआ है, कुछ ऐसी क्वालिटी रहने वाली है। और इसके अंदर जैसे गाड़ी मुड़ेगी तो इसकी लाइन वाइन भी रोटेट होने वाली है, बिल्कुल रोटेट, सही है सही है। और उसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज है जो और हो सकती है सुभाष भाई? और भैया कनेक्टिंग टेल लाइट हो गई, मिरर हो गए, ये सब भी अवेलेबल है, हेडलाइट आप टॉप मॉडल लगवा सकते हो अपने पास, वो भी अवेलेबल रहने वाली है। 45,000 की हेडलाइट है भैया, 9,500 की टेल लाइट है, 12,500 की मिरर है। लो भाई सारी चीजों को आपको रेडियो बता दिया। और एक बार ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइट देख लो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। ये हो गई आपकी लो बीम, ये हो गई हाई बीम, ये भाई ये चेक करो आप रिस्पॉन्स, चेकआउट करो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स रहने वाला है लाइट्स का। और ये इंटीरियर वगैरह कंप्लीट हो गया, ये मैंने आपको चला के दिखा दिया है। डायमंड 2 के वाले भाई अपना बढ़िया आवाज आती है, मैं आपको इसमें साउंड भी थोड़ी सी सुना देता हूँ, एक मिनट रुकना है ना। देखो आप लोगों को जो ब्लैक कलर की सोनेट दिखा रहा था मैं, जिसके अंदर सुभाष भाई ने आके गाड़ी के प्राइस वगैरह बताए, तो कार है मैम की, तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रीति। प्रीति, तो क्या क्या करवाया मैम बेसिकली आपने अपनी कार के अंदर? गाड़ी 20 मॉडल से टॉप मॉडल कर ली, मतलब बेस टू टॉप वाला काम करवाया आपने कंप्लीटली फुल। तो ओवरऑल कैसा लगा काम का फीडबैक वगैरह? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया सुभाष जी की, मतलब मैं अब बहुत सारे क्लाइंट, मेरी कितनी भी फ्रेंड्स वगैरह सबको मैं यही भेजूंगी, रिकमेंड करूंगी आप। हां बिल्कुल, क्योंकि जैसे फिटिंग वगैरह हुई है, सीट कवर्स वगैरह आप देख लो, या फिर ओवरऑल जितना भी काम हुआ, कुछ कमी पेशी लगी? कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं लगा, बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने जो चीज आपको करवाई थी वैसी मिली आपको? थोड़ा सा प्राइस के बारे में बताओ, प्राइस ठीक है? प्राइस ठीक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे। हाँ वो तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी काम के अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं लगी आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं काम कमी लगी, बहुत अच्छा। अच्छा, जो बंदे देख रहे हैं वीडियो, अगर कोई देख के काम कराना है तो आप रिकमेंड करोगे? फुल रिकमेंडेशन है। तो देख लो भाई, बेस्ट टू टॉप बन गई है प्रॉपर, ये 2D वाला इसके अंदर, मतलब ये डायमंड 2K वाला स्टूडियो भी लगाया और साउंड आउटपुट भी बहुत बढ़िया है आपकी कार के अंदर, आपने पूरा प्रॉपर बेस ट्यूब वगैरह सुना है, बहुत अच्छा। हाँ, एकदम लाउड है, क्लब जैसी फीलिंग आती है। हाँ बहुत ज्यादा एकदम कम्प्लीट लाउड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, तो थैंक यू। और ओवरऑल देख लो मैम तो अपने काम से, मतलब ओवरऑल सुभाष भाई के काम से सेटिस्फाई है। तो देख लो अगर किसी को भी अपनी गाड़ी में काम करवाना है तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन है मैम की भी, मेरी भी, आप लोग विजिट कर सकते हो सुभाष कार स्टूडियो पे, बेस्ट प्राइस मिल जाएंगे और ओवरऑल काम भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, इस बात की एश्योरिटी मैं भी देता हूँ आपको। बाकी इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर देना।